स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसे कि आज हम आपको मेहरे बर्सर बाजार की जो कर्फ्यू की तस्वीरें हैं वो लगातार दिखा रहे हैं, लगातार उसका हम आपके बीच में भेज रहे हैं कि पुलिस ने अब करीब 10 बजने वाले हैं तो लोगों को गाड़ियों को यहाँ से हटाना शुरू कर दिया है। और 3 घंटे आज काफ़ी लेवल पे प्रचार किया गया है या प्रयास किया गया है कि यहाँ व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाए, और कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है, लेकिन थोड़ा लोगों को यहाँ अवेयर होना पड़ेगा। यहाँ पर अभी जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हिमाचल हमीरपुर के हैं मिस्टर अरिजीत सेन ठाकुर जी, वो आज यहाँ पर दौरा करने आए हैं और प्रयास करेंगे। अगर उनसे भी हम बात की जाए कि पुलिस और कितने बेहतर प्रयास कर रही है और यहाँ के लिए बड़सर के लिए जो पुलिस की जो SHO साहब भी यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं लगातार है, पूरी टीम यहाँ पर अब जो लोगों को टाइम के अनुसार जो 10 बजे का टाइम है उसको अब खाली कराने के लिए पूरी मुस्तैद हो गई है। इसके साथ साथ में हमने ये आज गौर किया है कि पुलिस ने लोगों को काफ़ी आज समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। जो गाड़ियाँ यहाँ पर जा रही हैं, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं उनको भी यहाँ पर अब पूछना शुरू कर दिया कि आप कहाँ से जा रहे हैं, क्यों आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं। तो ये थोड़ा जो सख्ती की जा रही है बहुत अच्छी बात है और हम सब लोगों को इसमें सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि पुलिस हर जगह हर मौके पर अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ में हर एक दुकान पर खड़े होना संभव नहीं है। लेकिन लोग अगर जागरूक हो जाएं, स्वयं ये बात मान लें कि हमें ये जो हमारी दायित्व है इसको निभाना है, तो फिर ये लगता है कि बात अपने आप ठीक हो जाएगी। ये हमारे जो कांस्टेबल साहब हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये भी बेचारे यहाँ मार्केट में लगातार लगे रहते हैं, हमें इनका भी बड़ा धन्यवाद करना चाहिए। ये लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच में, ये जितने भी साहब देख रहे हैं लगातार ये खाली करवा दी गई। तो SP साहब अभी यहाँ पर आए हैं, हम प्रयास करेंगे उनसे बात कराने का, अगर बात हो पाएगी किस तरह से और व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से और बेहतर हो सकती है। और जो लोगों की यहाँ समस्या है उनको लेकर, वो सब्जी वालों की यहाँ समस्या है कि यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो नहीं आ पा रही हैं, तो अगर लगेगी बात तो उनसे पूछेंगे कि सर किस तरह से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनका क्या नियम बनाया गया है और किस तरह से यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि ऐसी अभी कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर छोटी मोटी समस्या हो तो उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक समाज की नहीं है, एक किसी जाति धर्म की नहीं है, व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये समस्या पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की और पूरे विश्व की है। इस कोरोना वायरस की महामारी से बचने का एक ही तरीका, एक ही विकल्प, सोशल डिस्टेंसिंग। हम किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें, ये हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पर आए हैं और ये देखिए यहाँ पर स्पेशल गाड़ी को रोक के पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से आए हैं, इनका पहचान पत्र भी इनसे मांगा जा रहा है, इनका कारण पूछा जा रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं। और ये बड़ा जरूरी है, जैसे यहाँ पर अभी गाड़ी आ रही है तो यहाँ पर ये देखिए पुलिस द्वारा प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस बात को लेकर, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इनका कारण जो है वो पूछा जा रहा है। और ये सब लोगों को देखना पड़ेगा कि पुलिस की जो शक्ति है वो इसलिए नहीं है कि पुलिस आपको कोई डराना चाह रही है, पुलिस का कार्य है और पुलिस को करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये जो हमारी मेहनत है, जो पुलिस वालों का कार्य है पूरा दिन 24 घंटे इनकी जो ड्यूटी है वो सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित हो गया और गलती से उसने कुछ किसी को फैला दिया तो ये चेन को हम तोड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये पुलिस को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है। और हर एक व्यक्ति को ये मैसेज दिया जा रहा है, हर व्यक्ति को ये समझाया जा रहा है कि उसको अपने घर में रहना है। इसका पीछे जो कारण है वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया जाए। बने रहिए, अभी SP साहब से आपकी बात कराएंगे और उनसे और क्या बेहतर व्यवस्था की जा सकती है उस पर भी बात करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेहरे बाजार के अंदर पुलिस की जो गश्त है वो बढ़ गई है और ये बड़ा सराहनीय प्रयास है। पुलिस ने अब आज ये बात बिल्कुल तय कर दी है कि अब किसी भी तरह की कोई ढील किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। मैं आपको यह एक जानकारी देना चाहता हूं कि तेलंगाना में अभी ये आदेश हो गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना वजह बाहर निकलेगा तो गोली मारने के आदेश हो गए। आप समझ सकते हैं इस बात को, आप इसको हल्के में मत लीजिए, बड़ा सीरियस इशू है। हम लोगों को बार बार कितनी बार भी समझाना पड़े, एक ही बात है कि हम अपने घर से बाहर ना निकलें,
हम अपने घर से बाहर ना निकले का अर्थ ये है कि ना निकले, क्योंकि और कोई कारण नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है। आपके पास कोई दवाई नहीं है, आपके पास कोई बेहतर सुविधाएं नहीं है, आपके पास केवल एक ही विकल्प है कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें। और इस बात को माने, पुलिस को अगर सख्ती करनी पड़ेगी तो फिर आप ये कहेंगे कि पुलिस सख्ती कर रही है, लेकिन पुलिस को सख्ती करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि लोग नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं, गाड़ियों से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, कोई पता नहीं। हर आदमी कोई एटीएम में पैसे निकालने के लिए जा रहा है। जब आपको छोटी छोटी सुविधाओं के लिए हर जगह सपोर्ट मिल रहा है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप सपोर्ट करें। मैं यहाँ पर अभी देख रहा हूँ महरे बाजार के अंदर अभी पुलिस ने पूरी एसपी साहब आए हैं, तो पूरा गश्त यहाँ पर की जा रही है पूरी तरह से। यहाँ पर आज अब दोबारा से यहाँ पर 10 बजे का टाइम हो रहा, तो वैसे भी मार्केट क्लोज होने का टाइम आ गया है। हम बार 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 एक ही बात कह रहे हैं, अपना दायित्व निभाइए। जब आप अपना दायित्व निभाएंगे तो जो कुछ हद तक हम बच सकते हैं वो बचाव हो सकता है। चलिए आपकी बात कराते हैं एसपी साहब से और उनसे भी पूछेंगे, समझेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या उनके अपने जो नए डिसीजन निर्णय इसको लेकर हैं वो क्या करना चाहते हैं क्या। और आज खुद ये आए हैं यहाँ पर बड़सर में दौरा करने के लिए और पूरी यहाँ की जो व्यवस्थाएं उनका जायजा लेने के लिए, तो ज़रूरी है कि इनकी बात भी रखी जाए आपके बीच में। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं और जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस जो है वो क्या तरह किस तरह का जो है वो कार्रवाई कर सकती है। हमारे बीच में एसपी साहब हैं और हम इनकी बात जरूर कराएंगे आपसे। सर नमस्कार, सर स्वागत है आपका जीरोसा न्यूज़ पर। और पहले तो हम पुलिस के जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी सराहना करेंगे, बहुत ही प्रयास आपके अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं। डीएसपी साहब ने स्वयं सुबह से मोर्चा संभाला हुआ है, एसएचओ साहब से लेकर हर एक व्यक्ति आपके कांस्टेबल तक जी। सर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं, कुछ इस तरह की गलतियां करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मैसेज सर उनको पहले देना चाहेंगे आप और किस तरह से आप आगे इनको डील करेंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक गाड़ियां रोकी थी कुछ, वहां पे ये देखा गया कि कुछ लोग सामान खरीदने और चीज़ें लेने के लिए बहाने एक गाड़ी में तीन तीन चार चार लोग जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी इस तरह का ना हो, यही हमारा उद्देश्य है कि इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि यहाँ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो पर्पज़ ही डिफीट कर दे रहे हैं पूरा जी। ये अगर आप सामान लेने, ज़रूरत की सामान लेने भी आ रहे हैं तो एक व्यक्ति वहाँ पे आए अपना सामान ले और वापस जाए, और हो सके तो दो या तीन दिनों का सामान इकट्ठा लेके जाए, यही हम लोगों को बता भी रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। फिर भी लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, पर हम उसके लिए थोड़ा सा उनको और अवेयर भी कर रहे हैं, थोड़ी सी सख्ती करने की अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी कर रहे हैं, पर हमारे को ये एक मैंडेट है, एक आदेश है। भारत सरकार, राज्य सरकार बहुत सीरियस है और हम भी इस बात के लिए बहुत सीरियस हैं जी। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे कुछ लोग का ये कहना रहता है कि पुलिस के ही सारे अधिकार हैं, कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है कोई व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता कभी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सर अकेली पुलिस कितना काम कर सकती है, पुलिस के पास तो एक लिमिटेशंस है। तो एक आम आदमी अगर कहीं देखता है गलत हो रहा है तो क्या उसका ये अधिकार है बोलने का कि कोई आदमी अगर निकल रहा है तो ना निकले? नहीं, देखिए हिमाचल इन जनरल और हमीरपुर इन स्पेसिफिक, हमीरपुर ज़िला जी, यहाँ के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत समझदार हैं और अपनी जितनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करते आए हैं जी। मुझे खुद एक साल से ज़्यादा यहाँ हो गया, मैंने देखा है कि जब भी हमने एक्सपेक्ट किया है, डायरेक्ट किया है लोगों को, तो उन्होंने पूरा हमारे साथ कोऑपरेशन किया है जी। तो उसी तरह इस कार्यक्रम में भी ये सेल्फ रेगुलेशन जो है, खुद का संयम मेंटेन करने के लिए हमें को उम्मीद है और मुझे पता भी है अभी तक काफ़ी कोऑपरेट भी कर रहे हैं मेरे को यहाँ पे जितने भी लोग हैं जी। फिर भी कुछ गिने चुने लोग अगर यहाँ पे हैं तो उनके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी है यहाँ पे जी। बाकी डिपार्टमेंट्स भी अपना अपना काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत से इस काम में लगे हुए हैं। थोड़ा एक इशू जो हमारे को अभी तक आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ लोग जो इमरजेंसी में मूव करना चाह रहे हैं जी, वो कई बार जा नहीं पाते और पुलिस जो है नेचुरल रीजन से उनको बार बार रोकती है जी। तो उसके लिए हम अभी हमारी 3 बजे के आसपास एक आपस में मीटिंग है जी, उसमें हम एक सिस्टम ईजाद जरूर करेंगे जिसमें हमारा ये रहेगा कि कंट्रोल रूम के नंबर पे और व्हाट्सएप नंबर जो है उस पे कोई व्यक्ति अगर इमरजेंसी में जाना चाहे, कहीं निकलना चाहे, तो वो व्यक्ति को हम वो व्यक्ति हमारे उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम उसकी स्थिति देख के, उनकी जेन्युइननेस देख के
एक टेम्प्रेरी पास एमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पास है उनको वापस उसी नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और वो उसका यूज़ कर सकते हैं। पर इस तरह के हमको सिस्टम निकालने पड़ेंगे क्योंकि लोगों के बीच समस्याएं जायज़ हैं जी। ये पर सक्सेसफुल ये कर्फ्यू तभी होगा अगर ये सेल्फ रेगुलेटेड हो, क्योंकि इस तरह की स्थिति ना कभी हमने देखी ना किसी और ने देखी है जी। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारा कोऑपरेशन करते रहे हैं, आगे फ्यूचर में भी करते रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद। अच्छा सर, यहाँ पर एक सब्जी वालों का समस्या था, इनका ये कहना था कि जो सब्जियाँ जो यहाँ चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रही, यहाँ टेम्पू नहीं आए, इसको लेकर सर क्या कोई पुलिस की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है या टेम्पू वालों के लिए स्पेशली कोई बात है तो आप बताएं सर पब्लिक को। देखिए, सब्जी की सप्लाई के पीछे जितनी भी सप्लाई और उससे संबंधित गाड़ियाँ या कोई भी सप्लाई चेन में जो भी हिस्सेदार हैं उन सब के लिए हमको निर्देश हैं कि कहीं भी वो गाड़ी रोकी ना जाए जी। और रोकी नहीं जा रही है। ये ज़रूर है कि पंजाब में और बाकी नीचे एरियाज़ में जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है सब्जियों की, वहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक भी ज़रूर लगी थी, पर हमें एक या दो दिन में इसको सुनिश्चित तरीके से रेगुलेट होने की उम्मीद है जी। ऐसा मेरे को लग रहा है कि भाई ये हमारे लेवल पे जितना हो सकता है वो हम कर ही रहे हैं, पर साथ में जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, नेबरिंग स्टेट है, वहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो थोड़ी सी लिमिटेड, थोड़ी सी कम हो सकती है, पर अभी ये कुछ दिनों की अगर बात है तो हो सकती है, बट अदरवाइज ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम इसमें अभी नहीं है जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ श्री अरिजीत सेन ठाकुर जी, SP हमीरपुर, और आज जैसे कि हमने बताया कि बड़सर का ये दौरा करने आए हैं और आज यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर इन्होंने आश्वस्त किया है कि लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, बेवजह लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, और इस बात को बड़े अच्छे तरीके से लोगों को समझना पड़ेगा कि पुलिस ने अभी तक कोई सख्ती नहीं की है, पुलिस ने अभी तक आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन किसी कारण से अगर आप इस बात का उल्लंघन करते हैं, अगर बार बार आप घर से बेवजह निकलते हैं, बिना कारण के निकलते हैं, तो पुलिस को सख्ती करने का भी अधिकार है और पुलिस को सख्ती करनी भी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग समझदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं। एक बात को हम समझ लें कि घर से बाहर बिना कारण के किसी कीमत पे ना निकलें, क्योंकि वो हमारे लिए तो नुकसानदायक है ही है, समाज के लिए नुकसानदायक है, और अधिकारी जो मेहनत कर रहे हैं, जो पुलिस मेहनत कर रही है, जो SDM साहब मेहनत कर रहे हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी एक व्यक्ति भी अगर इस चेन में से निकलकर बाहर आ गया। तो बहरहाल हम सब लोगों को जिम्मेवारी के साथ में बार बार एक ही बात आप लोगों से जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज आप नियमों को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, अपने आप को हाइजीनिक रखिए, हाथों को साबुन से दिन में 10-15-20 बार धोइए, और बेवजह बाहर मत निकलिए, अगर जरूरत नहीं तो मत निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।